तो गाइस, घर में घी बनाने की ट्रिक मेरी मम्मी की मैं बताती हूँ। ये हमने एक पतीले में अपनी 15 दिन की मलाई जो है इकट्ठी कर ली है, जो दूध में से निकलती है। अब मेरी मम्मी इसका घी बनाएंगी। मेरी मम्मी ने इस मलाई को 1 घंटे पहले फ्रीजर में से इसको निकाल दिया है एक पतीले में। अब मेरी मम्मी इसका घी बनाने का प्रोसेस करती है। तो मलाई का घी बनाने के लिए मेरी मम्मी इसमें दही मिला के रख देंगी, ताकि जो इसका मक्खन है वो अच्छे से निकल जाए क्रीम में से, हमारी मलाई में से। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगी मेरी मम्मी। हम तो घर का ही घी खाते हैं, हम बाजार का मार्केट का घी नहीं खाते हैं। मेरी मम्मी हमेशा हर 15 दिन में मलाई इकट्ठी कर लेती हैं और फिर 15 दिन बाद ऐसे घी निकल जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए, इस तरीके से इसको पूरा मिक्स करके, अब इसमें अच्छे से दही मिक्स हो गया है पूरी मलाई में। अब हम इसको 1 घंटे तक रख देंगे। हमारी जो मलाई थी जिसमें हमने अपना दही मिला के रखा हुआ था, वो एकदम 1 घंटा हो गया है उसको रखे हुए। अब मेरी मम्मी इसको अच्छे से फेंट रही हैं। अब इसमें हम ठंडा पानी मिक्स कर देंगे, फ्रिज का एकदम ठंडा चिल्ड पानी आपको इसमें डालना है। करीब आपको 2 बड़ा कप इसमें डालना है। अब जिससे आप लस्सी अपना फेंटते हैं उससे आपको इसको फेंटना है अच्छे से। अगर आपके घर में आपके पास ब्लेंडर है तो आप उससे भी इसको कर सकते हैं। मेरी मम्मी तो हमेशा ऐसे ही करती हैं, तो आपको जिससे कंफर्टेबल हो आप वो यूज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको करते रहना है इसको। और अब इसमें देखिए, आप एकदम पानी इसमें से अलग हो रहा है और जो घी है हमारा मोटा मोटा सा मक्खन वो अलग हो रहा है। ऐसे ही सारा जो हमारा घी होगा वो एकदम से अलग हो जाएगा इसमें से। देखिए फ्रेंड्स, आपको इसे अच्छे तरीके से फेंटना है, कम से कम 15 मिनट तक आपको इसको फेंटना है। अब इसमें से देखो मक्खन निकलना शुरू हो गया है, व्हाइट मक्खन। अभी मेरी मम्मी आपको दिखा देती हैं, ये देखिए। अब मेरी मम्मी इसमें से मक्खन को अलग कर लेंगी, फिर हम इसको घी बनाएंगे। सो गाइस, हमारा मक्खन एकदम रेडी हो गया है। अब मेरी मम्मी इसको निकाल रही हैं और हम इसे एक कढ़ाई में डालेंगे, क्योंकि हमें इसी कढ़ाई में हमारा घी बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको अपने हाथों की मदद से, ये देखिए कितना एकदम लग रहा है ना। आप चाहें तो इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, व्हाइट मक्खन की तरह ये बन गया एकदम। ये देखिए एकदम व्हाइट मक्खन की तरह हो गया। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अब आप इसको 1 हफ्ते तक अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, 1 हफ्ते तक इसको अच्छे से खा सकते हैं। इसी स्टाइल में घी बनाइए, और वो भी दूध जो आपका आता है डेली बेसिस पे, उसी दूध की मलाई को बस आपको इकट्ठा करना है रोज डेली, अपने फ्रीजर में स्टोर करना है करीब 15 दिन तक। 15 दिन के बाद आप ऐसा घी निकाल के अपने घर पे खा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मेरी मम्मी ने सारा मक्खन जो है उसमें से निकाल लिया, लस्सी में से। ये देखिए, ये हमारी 15 दिन की मलाई है। और ये फुल क्रीम दूध हम यूज करते हैं, उसमें से जो मलाई निकलती है मोटी एकदम परत, रोटी जैसी उसकी परत होती है, उसकी जो मलाई होती है हम इसको डेली बेसिस पे निकाल लेते हैं एक बाउल में और फ्रीजर में स्टोर करते हैं। फिर 15 डेज के बाद हम इसको ऐसे व्हाइट मक्खन निकालते हैं, फिर इसका घी बनाते हैं। सो अगर आपको इसे 1 महीने बाद बनाना है, 2 महीने बाद बनाना है, तो आप तब भी बना सकते हैं। बस आपको फ्रीजर में इसको स्टोर करके रखना है, ताकि ये खराब ना हो जाए और इसमें से स्मेल ना आए। तो आप चाहे तो 1 महीने में एक बार भी इसको बना सकते हैं व्हाइट मक्खन को। हम यहाँ पे अमूल का पैकेट वाला जो फुल क्रीम का दूध होता है वो यूज करते हैं, आप चाहे तो कोई भी फुल क्रीम का जो मिल्क होता है वो यूज कर सकते हैं। अब गाइस, मक्खन निकालने के बाद हमारा ये देखो यहाँ पे लस्सी बचा है। इसमें आप चाहे तो थोड़ा सा और दही मिला के आप इसका लस्सी बना के पी सकते हैं, रायता बना सकते हैं अपना, घिया का रायता या फिर बूंदी का रायता। और इसकी हम कढ़ी भी बना लेते हैं, हम तो इसकी कढ़ी बना के भी खाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है, आप भी बना सकते हैं, वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी यूजफुल होता है। अब मेरी मम्मी ने इसको गैस पे रख दिया है, तो इसको हमने गैस पे रख दिया है, इसको हाई फ्लेम पे रखना है अभी करीब 2 मिनट के लिए, फिर इसको हमें लो फ्लेम पे इसको पकाना है। ये देखिए मेल्ट होने लगा, ये देखिए। आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, ब्रेड के ऊपर आप सैंडविच बना के इसको यूज कर सकते हैं। देखिए ऐसे मेल्ट होने लगेगा, आपको ऐसे अच्छे तरीके से इसको चलाते रहना है ताकि ये सारी तरफ से अच्छे से मेल्ट हो जाए। देखिए मेल्ट होना ये स्टार्ट हो गया है। अब हमारे गैस का जो फ्लेम है उसे
लो कर देना है और इसे हमें फिर लो फ्लेम पे ही इसे पकाना है। जब इसको रख दिया था हमने दो अपना लो फ्लेम पे, तो हमने इसको बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है। अब इसमें देखो ऐसे झाग आ गया है, ये आएगा नॉर्मल है ये, इसमें कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। हमें इसे एकदम अच्छे से पकाना है लो फ्लेम पे ही। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो येलो येलो कलर का आपको दिख रहा है ना, ये हमारा सारा घी है, एकदम अच्छे से फैंटास्टिक तरीके से एकदम प्रिपेयर हुआ है ये घर का होममेड घी। अब इसको हम अपनी कढ़ाई में से छान लेंगे, जिस भी बर्तन में आपको स्टोर करना है आप उसमें इसको छान सकते हैं। इसको हम अभी ऐसे ही गरम गरम ही छान लेंगे, पर आपको एकदम सावधानी से अच्छे तरीके से इसको छानना है ताकि आप जल ना जाए। सो यहाँ पे मेरी मम्मी ने एक छलनी ली है और एक कंटेनर लिया है जिसमें हम अपने घी को स्टोर करके रखेंगे। और ये देखिए ऐसे आपको इसको छान लेना है, तो हमारा घी वहां चला जाएगा और ये जो मलाई का मोटा मोटा सा ये दरदरा सा बन गया है ये एक साइड पे हो जाएगा। सो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा घर का बना हुआ घी, देसी घी एकदम रेडी है। अब आप देखिए, आपने एक एक लीटर दूध लिया, उसको बॉईल किया, उसकी मलाई को स्टोर किया, उससे आपने क्या किया, एक दूध भी आपने यूज कर लिया है, अपने दूध का जो निकला हुआ मलाई है उससे आपने घी बना लिया है। और घी निकालने के बाद ये जो हमारे पास बचा हुआ है एकदम मक्खन जैसा दरदरा सा, इसकी हम बनाएंगे मिल्क केक वाली बर्फी। इसमें थोड़ा सा दूध मिला के इसको हम तैयार करेंगे एकदम बर्फी की तरह, जो कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये जो लस्सी हमारी बच गई थी जब हम अपना मक्खन निकाल रहे थे व्हाइट मक्खन मलाई में से, इस लस्सी का हम बनाएंगे रायता, घी का रायता, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। तो ओवरऑल आपका देखा जाए तो कोई भी चीज इसमें वेस्ट नहीं हो रही है, सारी चीजें यूजफुल हैं।